आज पीर सैयद अमीर अली शाह अल मारूफ बड़े मियां साहब की आखिरी आरामगाह पर, जो कि दीने इस्लाम की तरबियत और इशाअत के लिए हिंदुस्तान से मुल्तान तशरीफ लाए और फिर मुल्तान ही के होकर रह गए। आज हम आपको इन्हीं की जिंदगी के हालात वाकयात बताएंगे और इस दरबार के जो खिदमत गुजार हैं, निगरान हैं, उनसे भी बात करेंगे और इनकी ज़िंदगी के हालात वाकयात उनसे भी जानेंगे। इसी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुफियान अली और आप देख रहे हैं WM ट्रैवल। नाज़रीन, आप नहायत शफीक सफ़ इंसान थे और हर वक्त याद इलाही में मशगूल रहते थे और आपने अपनी सारी ज़िंदगी दीन इलाही के लिए, दीन इस्लाम के लिए वक़्फ़ कर दी। हम जो इस दरबार के निगरान हैं, गुज़ार हैं, जो कि अरसा दराज से इस दरबार की खिदमत कर रहे हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ जो इस दरबार के निगरान हैं, इस दरबार के जो मुतवल्ली हैं, जो अरसा दराज से इस दरबार पे अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और बाकी सारी जो इस दरबार की तारीख है इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम बाबा जान। सर ये बताइएगा, आप कब से इस दरबार की खिदमत कर रहे हैं? तकरीबन मुझे 3 साल हो गए। और ये बताइएगा हजरत साहब की मतलब तारीख वगैरह, आप कहाँ से तशरीफ लाए थे यहाँ पे? आप इंडिया से आए। इनके बड़े जो हैं सब चिश्ती हैं, बड़े जितने भी बुजुर्गान दीन हैं दरबार शरीफ वहाँ इंडिया में भी हैं। इनके वालिद साहब के, वालदा साहब की, यानी कि बड़े जो इनके गुजरे हैं वो चिश्ती सिलसिले से। ये नक्शबंदी सिलसिले से यूँ हैं कि इनके जो मुर्शद हैं वो नक्शबंदी सिलसिले हैं। सिलसिला जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। आप यहाँ पे इंडिया से खुद तशरीफ लाए थे यहाँ आपके बाबाजदाद? नहीं, वहाँ से बाबाजदाद जितने भी हैं कुछ वहाँ रह गए, जो यानी कि जो पर्दा के फरमा गए थे और जो बाकी थे वो यहाँ आ गए। तो ये बताइएगा हजरत साहब की कोई करामात वगैरह? जो करामात तो जो अल्लाह के वली की शान है, जो आके अर्ज करोगे, दुआ मांगोगे, अल्लाह ताला हजूर के सदके में मेहरबानी करोगे। और ये बताइएगा कि ये अरसा दराज से महकमा औकाफ के अंदर है, लेकिन अगर हम देखें तो इस दरबार की हालत बड़ी खस्ता हाल है, तो यहाँ पे वो काम वगैरह नहीं करवाते? नहीं, बिल्कुल भी। 2004 से औकाफ में आया ये दरबार शरीफ, ना तो यहाँ लैट है। मैं 3 साल से यहाँ रह रहा हूँ, खिदमत कर रहा हूँ, खादिम हूँ। ना ये मुरम्मतें कराते हैं, ना ये रंग चूना सफेदी कराते हैं, ना कभी इन्होंने उर्स करवाए हैं, ना कभी कोई महफिल कराई है। जुमेरात के जुमेरात यहाँ महफिल होती है, तो हम दोस्त जो हैं मिलके 100-150 वो जमा करके और बिस्कुट लाते हैं, वो महफिल कराते हैं, अल्लाह रसूल का जिक्र कराते हैं। और ये बताइएगा इनका सालाना उर्स है वो किस महीने में होता है? वो सफ़र की 12 तारीख, सफ़र की 12 को होता है। और इनकी साहबजादी हैं, इनकी बहूरानी है, इनके साहबजादे हैं 5-4, तो पर्दा फरमा गए हैं ये सैयद गुलाम हुसैन शाह साहब और सैयद शाह बाबा सरकार जो हैं, पीर हैदर अली शाह साहब और मुबारक अली शाह साहब और फिर सैयद सिजाद हुसैन शाह साहब, ये 4 पर्दा फरमा गए हैं। एक जो हैं जो मेरे मुर्शिद हैं, तकरीबन 20 साल से मैं उनके कदमों में हूँ। और ये बताइएगा इनके सालाना उर्स पे लोग कहाँ कहाँ से तशरीफ लाते हैं? दूर फैसलाबाद से, लाहौर से, कराची से, यहाँ तक के आज़ाद कश्मीर से आते हैं। नाज़रीन, इस दरबार के जो खलीफा हैं वो पीर सैयद अख्तर हुसैन शाह साहब हैं, लेकिन ये दरबार महकमा औकाफ के अंदर है, जो कि एक खस्ता हालत में मौजूद है।
अलहाज पीर सैयद अमीर अली शाह अल मरूफ बड़े मियां साहब, इनका वसाल सफर उल मुजफ्फर 1404 ईस्वी में हुआ और आपका सालाना उस सफर ही के महीने में होता है, जहां हर साल पाकिस्तान भर से सायरीन फ्यूज़ बरकात के लिए तशरीफ लाते हैं। इसी के साथ कैमरामैन राहत और अपने मेज़बान सुफियान अली को दीजिए इजाज़त। लनिघवान।